है इधर जमा इनका काला धन। परसों मैंने सूची देखी सिद्धार्थ के नाम क्या लेना, राजीव गांधी 1,90,000 करोड़ रुपए श्रीलंका के बैंकों को कह देना। अरे वो कहते ना कि भय बिन मुक्त ना हो, जब भया आता है ना भय, भय बड़ी चीज होती है, जब एक अफसर को पता होगा हो जाएगी वो डरेगा घबराएगा। आप लोग कोई भी छोटा मजदूर भी जाएगा ना हाथ जोड़ेगा, हो जी मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ, आओ कुछ ही लोग बताओ काम, ऐसा होगा और ऐसा होना चाहिए। फॉरेन कंट्री में ऐसा हो रहा है, आप मानो में 2 मिनट लगे होंगे। हमने वहां से टोकन लिया बैठे, तो रिसीवर कहते व्हाट आई कैन डू फॉर यू, मैंने कहा जी हमारा फोन बताइए, तो आता है मजा। 2 मिनट में उसने फोन मिलाया दिल्ली, कहने अभी तो टिकट कन्फर्म है हम आ गए। पहले हम सोच रहे थे हो टिकट कन्फर्म करने की हमें तो हफ्ता लग जाएगा, ऐसा हो गया था। भ्रष्टाचार को मिटाना है, आज हमारे बीच में एक पावर फुल 15,000 रखे हैं। एक वो देखो वो कहते थे ना पहले समाज, अब वही रोशनी आ गई है, हमें। सभी व्यापारी व्यापार मंडल की झंडे तले आज यहाँ अन्ना हजारे जी को समर्थन दे रहे हैं और आज धरने पे बैठे हैं। और शुरू से ही जो अन्ना हजारे जब से ये अनशन का जो मुहिम चलाई है भ्रष्टाचार के मुद्दे पे, शुरू से ही व्यापारी अन्ना हजारे जी के साथ है, क्योंकि आज भ्रष्टाचार इतना फैल चुका है, इतने सिरे पे चढ़ चुका है कि आज जो भ्रष्टाचार के खिलाफ अनशन पे बैठे हैं अन्ना जी, हम उनका समर्थन कर रहे हैं। और इस समर्थन के तहत अगर सरकार ने जल्द इस बिल को चलित लोग को बिल पास नहीं किया या अन्ना हजारे जी जो मांग कर रहे हैं उस पर खड़े नहीं उतरी सरकार और नहीं कर रही पास, तो व्यापारी भी अंगड़ाई ले चुका है और व्यापारी इसके लिए बंद के भी काल करेगा और बंद भी करेगा। इस सिरसा बंद होगा और उसके बाद हरियाणा बंद करेंगे हम। विसर ब्लॉर्स वेलफेयर सोसाइटी का 1 वर्ष पूरा होने के बाद कार्यालय का उद्घाटन किया गया, इस मौके पर काफी लोग मौजूद रहे। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के तौर पर कांग्रेस प्रतिनिधि गोविंद कांडा ने शिरकत की। आइए एक बार फिर नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। अन्ना हजारे को सिरसा बार एसोसिएशन ने दिया समर्थन। लोकपाल बिल जल्द से जल्द पास करवाने की व्यापार मंडल ने की मांग। फिसल वेलफेयर सोसाइटी का कार्यालय का हुआ उद्घाटन।